पूरे धरती में आप कहीं भी चले जाएं, जहां भी कबीरपंथी जिसने गले में माला डाला होगा वो वैष्णव आपको जरूर मिलेगा। मांस नहीं खाएगा, ऐसा शायद किसी और पंथ में आपको ना मिले। तो सदगुरु कबीर का जो दर्शन है, सदगुरु कबीर के जो विचार हैं, उनके जो विचारधाराएं हैं, स्पष्ट है। कहीं उसमें किंतु परंतु नहीं है, कहीं संदेह नहीं है। अगर ईश्वर के संबंध में बात करते हैं तो सीधी बात करते हैं, वो आपके दिल में है, बाहर नहीं है। अगर वो जगत और सृष्टि के बारे में बात करते हैं तो सीधी बात करते हैं, किसी ने बनाया नहीं, ऑटोमेटिक स्वचालित है। वे छुआछूत की बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, कि तो चाहार हर मुद्रा एक रुधिर गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र, सीधी बात करते हैं। जब वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो भी सीधी बात करते हैं। जब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं वहां भी सीधी बात करते हैं। अंधविश्वास चमत्कार की बात करते हैं वहां भी सीधी बात करते हैं। वो ऐसा नहीं कि उस समय मुगलों का शासन था तो वो मुस्लिमों से डर करके कुछ बात ना कही हो। आप पढ़ें उनके ग्रंथ को, जितना उन्होंने ब्राह्मणों को लताड़ा था उससे ज्यादा मुगलों को लताड़ा, जितना यूं कहें कि जहां उनको कमी दिखी, जहां उनको गलतियां दिखी, थपेड़े दिए। पूरे भारत में मुस्लिमों का शासन था, मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे, लेकिन उनके डर से उन्होंने सत्य कहना तो नहीं छोड़ दिया। उस वक्त उन्होंने कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या पहरा हुआ खुदा। सोचिए कितनी हिम्मत। आज आप खुले मंच से बातें कहेंगे, आप तुरंत हृदय का विवादित बयान दिया। किसी भी संप्रदाय के लिए कुछ बातें आप कह गए हिम्मत करके, विवादित बयान, मीडिया वाले बोलते हैं विवादित बयान दे दिया, आप पर हो सकता है मानहानि का केस हो जाए। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, सुनति कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिर रहे। कि सुनति करा के तुम तो मूल्य हो गए, स्त्री को क्या कहोगे। ब्राह्मणों को कहते हैं, पहरी जने ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहरा है। कि जनेऊ ही ब्राह्मण होने का चिन्ह नहीं है, वो ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, वो सिर्फ जगाते हैं कि तुमने सिर्फ यह मान लिया कि जनेऊ धारण कर लिया तो ब्राह्मण हो गए, यह गलत है। जिसने ब्रह्म को जाना है, जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, जिसका मन पवित्र है, जो जितेंद्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो जनेऊ पहना पहन। लेकिन जनेऊ पहन लेने से तुमने ब्राह्मण माना और कर्म तुम्हारे खोटे हैं। खुदा को तुम कहते हो सब कुछ सुनता है, सबकी सुनता है, सब जगह है, फिर तुम सुबह सुबह हो हल्ला क्यों मचाते हो, अजान क्यों देते हो। वो तो तुम्हारे मन की बात सुन लेता है, फिर चिल्लाते क्यों हो। कितनो मनाबो पांव पड़ी, कितनो मनाबो रोए, हिंदू पूजे देवता तू रुक ना काहू को, मुस्लिम शासन था और कह रहे हैं तू रुक ना काहू को। समझाते समझाते शायद थक गए, हिंदू तो मान भी जाता है, हिंदू तो फिर भी समझ जाता है, हिंदू तो फिर भी स्वीकारता है, सहिष्णु है, सहनशील है। लेकिन जब मुल्लाओं को समझाते समझाते सदगुरु कबीर थक गए, तब कहते हैं किसी का होने वाला नहीं, ये कुरान और अल्लाह के अलावा किसी का सुनने वाला नहीं। तो ये हिम्मत सदगुरु कबीर की थी और किसी में नहीं मिली थी। पिछड़ों के नायक बहुत से संत हुए, संत रैदास भी हुए, फूले पेरियार बहुत से नाम बाद में आए, गुरु नानक देव हुए। लेकिन जितनी स्पष्टता से, जितनी ताकत से, जितनी सत्य पूर्ण ढंग से, विवेक पूर्ण ढंग से सदगुरु कबीर ने अपने बातों को रखा, किसी ने नहीं रखा। इसलिए सदगुरु कबीर को अनपढ़ कहना, सोचिए किस हालात में वो पाले पोसे गए, कहां जन्म हुआ कोई जानता नहीं, जिनके माँ बाप के पता नहीं, जिनका बचपन, जिनकी शिशु रूप अवस्था इतने कष्टों में बीता हो। सिद्धार्थ तो राजा के पुत्र थे, कोई कमी नहीं थी,
प्रचार इसलिए हो गया, राजा के पुत्र थे, राजा मित्र थे, और जब राजा ही मित्र हो तो उनके प्रचार तो हो ही जाएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर तो पिछड़ों की आवाज थे, जिन्हें सब लोग जूते के नीचे रखते थे, सदगुरु कबीर उनके हाथ पकड़ कर उनको आगे लाए। आज जो लोग अपने आप को ना जाने क्या क्या टाइटल लगाते हैं, उनको ये अधिकार मिला, उनको वो अधिकार मिला, सदगुरु को कभी कभी देन है कि आज इंसान एक साथ खड़ा होने का साहस करता है। इसलिए सदगुरु कबीर अद्भुत है, और उन्होंने अपने इस अद्भुत जीवन के, उनके इस अद्भुत रूप के हकदार वे स्वयं हैं, क्योंकि उनका कोई सपोर्ट नहीं था। जैसे जब हम माता सीता का उदाहरण लेते हैं, वो राजमहल में नहीं थी जब लव कुश का जन्म हुआ, वो जंगल में थी, ना वहां लक्ष्मण थे, ना राम थे, ना हनुमान थे। लव कुश को उन्होंने इतनी शिक्षा दी, ऐसा संस्कार दिया, इतनी योग्यताएं भर दी, क्योंकि एक माता चाहले तो कुछ भी कर सकती है, कि अयोध्या की पूरी सेना लव कुश से हार गई। ये श्रेय मां सीता को जाता है, इसलिए उनकी महानता का वर्णन बखान हुआ। अगर वो राजमहल में रहते लव कुश इस योग्यता को हासिल करते तो शायद माता सीता को इतना श्रेय ना जाता। लेकिन जंगल में रहकर, उन हालातों से लड़कर, उन्होंने संघर्ष के साथ अपने अपने पुत्र में वो सारे संस्कार, वो सारे सामर्थ्य भरे जो उनको लगा और भर पाए। सदगुरु कबीर को इसलिए उनके स्वयं के होने का श्रेय जाता है, स्वयं का गुरु वो स्वयं थे, कोई और नहीं। तो ऐसे कोई कोई दुर्लभ महापुरुष होते हैं जो इस तरह से अपने जीवन को सजाते हैं। एक भजन